हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड गेट अकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यदि आप गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद आपको गेट एग्जाम फेस करना है, तो कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और उनमें से एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यदि आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इसमें आप फुल नंबर लाना चाहते हैं, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत ही हाई वेटेड सब्जेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 मार्क्स का आता है और इसमें आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है ये इजी से मॉडरेट लेवल का होता है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपका यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो आपसे आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो रहते हैं इसके यूनिट बेस्ड रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, कुछ पोर्शन तो ऐसे हैं जहां से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर से, तो वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, इसमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। तो 8 मेथड होते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के। इनमें से शुरू के 4 मेथड हैं, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। ये 4 मेथड से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन 4 मेथड में से किसी एक मेथड से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो एक ये पोर्शन आप डेफिनेटली करके जाइए। सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी हमारा जो वेल हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, ड्यूपिड थ्योरी, थेम्स थ्योरी, काफी कॉमन क्वेश्चन है। इसमें आपको डिस्चार्ज निकालने को देता है, इसमें आपको परमेबिलिटी निकालने को देता है, फॉर कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछ ही लेता है ना। अब ये जो टॉपिक है ये सॉइल मैकेनिक्स के लिए भी कॉमन है, ये टॉपिक हाइड्रोलॉजी के लिए भी कॉमन है, तो या तो उनका वेटेज आप उनमें भी गिन सकते हैं या आप इन्वायरमेंट में भी गिन सकते हैं। सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वही है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं कन्फाइंड या अनकन्फाइंड एक्वीफर में से, या तो वो परमेबिलिटी निकालने को बोलेगा या तो डिस्चार्ज निकालने को बोलेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला सब्सिट्यूट करना है और उसमें से आंसर निकाल लेना है। तो आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या टर्म्स हमें उस फॉर्मूले में पुट करने हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ से आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ से आप 2 नंबर का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर से, ठीक है। क्वालिटी पैरामीटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें से क्वेश्चन जो पूछता है, इसका जो फेवरेट टॉपिक है वो है हमारा एल्कलिनिटी, हार्डनेस और इनका जो आपस में रिलेशन होता है, दैट इज कार्बोनेशियस हार्डनेस इज मिनिमम ऑफ टोटल एल्कलिनिटी एंड टोटल हार्डनेस, एंड नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेशियस हार्डनेस, और टोटल एल्कलिनिटी टोटल हार्डनेस कैसे निकालना है, ये सबके ऊपर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, एल्कलिनिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, हार्डनेस से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर के जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं इसके, जैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन कंटेंट हो गया, इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चन ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। पीएच हो गया, पीएच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पीएच, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स पे। तो आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इन दोनों तीनों टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। वैसे अगर मैं आगे बढ़ूं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, तो यहाँ से आप 3 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अप्रोक्सीमेटली 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन, आप 3 ही मान के चलिए, डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये सारे टॉपिक है। अब इसमें सब कुछ भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है सेडिमेंटेशन या कोएगुलेशन का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है फिल्ट्रेशन या डिसइंफेक्शन का क्वेश्चन पूछ ले। डिसइंफेक्शन में भी आपको फोकस करना है क्लोरीनेशन, डिसइंफेक्शन में भी आपको फोकस करना है क्लोरीनेशन पे, ठीक है। क्लोरीनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, फिल्ट्रेशन पे, डिसइंफेक्शन पे, कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, मतलब सबसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा था, इसके पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था और इस बार भी डेफिनेटली पूछेगा, और देखा जाए तो बहुत ही आसान है। तो इस पे तो आपको फोकस करना ही करना है, मतलब आप ये चीज छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन बना देता है कई बार, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर ये दोनों में से क्वेश्चन पूछ लेगा, पर क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है। तो यहाँ से भी आप 3 नंबर मान के चलिए। तो अभी तक आपके कितने नंबर हो गए, 2, 3,
आठ आठ नंबर तो करीब आपके यहीं पर हो गए। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वेयंस सिस्टम उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। बाकी इसमें पाइप नेटवर्किंग के ऊपर, हालांकि पाइप नेटवर्किंग आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी आता है, हार्डी क्रॉस मेथड, वहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो एक बार इसको देख के जाइएगा, ये आपके FM में भी है ये पार्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आप BOD, COD, THOD ये सब पढ़ते हो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है BOD। डेफिनेटली एक दो नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1-2 marks क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम BOD, क्योंकि इसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से भी लिंक्ड है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट से, ठीक है, तो यहाँ से दो नंबर का क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि वो BOD से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ से आप मान के चलिए क्वेश्चन आपका आएगा। तो अभी तक करीब 10 नंबर का मैंने आपको बता दिया। डिजाइन ऑफ सीवर्स, ये भी मतलब इंटरमीडिएट चैप्टर ही है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ओपन चैनल फ्लो में भी रहता है, तो कई बार OCF में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो डिजाइन ऑफ सीवर्स के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, 2004 में या 5 में शायद आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर OCF के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो OCF में भी पूछ लेता, तो सेम चीज यहाँ पर नहीं पूछता वो, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आप अगेन 3 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स हम पढ़ते हैं, स्क्रीनिंग हो गया, ग्रिड चैम्बर हो गया, आपका स्किमिंग टैंक हो गया, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, फिर आपका सेप्टिक टैंक हो गया, तो यहाँ पर आप ASP, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड और सेप्टिक टैंक, इन पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, और इसमें भी आप इन दोनों पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो बहुत ज्यादा फोकस करिएगा ये दोनों टॉपिक पे। उसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूं, अगला है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका जो थ्योरी है और इसका जो न्यूमेरिकल है दोनों आपस में कई बार लिंक नहीं करता, क्यों, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको केमिस्ट्री आना चाहिए, और इस बार तो बड़ा सरप्राइज हुआ था, 2022 में 6 नंबर का पूछा था ये, तो इसके लिए आपको बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको आना चाहिए, मूल कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको लैंड फिलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो बेटा मान के चलिए यहाँ से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो ये पूछेगा ही पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, और इसका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है कई बार इसके न्यूमेरिकल से लिंक्ड नहीं होता, बिकॉज वो जनरल केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। उसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूं तो लास्ट टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाला है वो है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, मतलब PPM को माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है, PPB को माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है, या इसका रिवर्स, तो आपको ये चीज तो आनी चाहिए क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और थोड़ा बहुत अगर पूछ लिया तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल जो अलग अलग डिवाइस होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, हाई वॉल्यूम सैम्पलर, ग्रेविटी फिल्टर्स, फिर आपका फैब्रिक फिल्टर्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करो तो सबसे ज्यादा फोकस इस पे करो, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखा जाए तो मैंने करीब करीब आपको 14 नंबर के आसपास का वेटेज बता दिया है, और किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो उन टॉपिक्स पे फोकस करिए, बढ़िया से अपना एग्जाम दीजिए, जो जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताया उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करके मत जाइएगा, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़िएगा और बिल्कुल आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप फुल नंबर डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा और इन टॉपिक्स पे आप जरूर फोकस करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।